हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पर। इसका नाम है अंकित सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। एचएससी के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री का पेपर देके आ चुके हो, सॉल्यूशन चाहते हो तो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देख लो यार। सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपका परसों ही मैथ्स का पेपर है। मैथ्स के पेपर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए मैं छोटे से फटाफट आपको सारे एमसीक्यूज के आंसर बता देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लेके आते पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी। तो बॉडी सेंटर बीसीसी में आपको क्या पता है ना, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? बीच का जो एटम होता है बॉडी सेंटर में, तो वो जो एच के ऊपर सारे आइटम रखे होते हैं आटो के आटो, उनसे टच होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? आठ, एट। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो सही होगा। ठीक है, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मेटिक प्रेशर द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन। तो ये बिल्कुल, ये एकदम थियरी की क्वेश्चन थी। ये अगर जिसको थियरी पता होगा तो वही कर पाता। तो बिल्कुल इसका आंसर मोलैरिटी है, तो ऑप्शन ए जो है उसका राइट है। ठीक है, अगला आता है द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन एच टू ओ सॉलिड टू एच टू ओ लिक्विड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा आंसर। ठीक है, अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट करता है? तो आपको पता है जो हमारा मैंगनीज होता है वो दिखाता है 3D5 4S2। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलेगी, तो हमारा आंसर सी जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। तो यार इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हुआ होगा, पर यार ये हेक्सासाइनोफेरेट था, तो इसको Na4 वाला करके जो आए हैं, जो है वो क्या है, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 वाला है। ठीक है, तो Na4 करके आए स्टूडेंट बहुत सारे, पर इसका ऑप्शन सी राइट है, Na3FeCN6। ठीक है, अगला आता है आइसोप्रोपाइल बेंजेन ऑन एयर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन बाय डाइल्यूट एसिड गिव। ये ऑप्शन ए राइट है, फिनोल, हमको फिनोल मिलता है स्टूडेंट C6H5OH। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला है द नेम ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल विच एक्ट एज हाईली इफेक्टिव बैक्टेरियल डिसइंफेक्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज। तो यार देखो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा ही डीप सवाल पूछ लिया था। अगर किसी ने बुक को रीड किया होगा उसी को आंसर पता होगा। इसका आंसर सिल्वर है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये आंसर रॉन्ग हुआ होगा मुझे पता है, क्योंकि ये बिल्कुल थियरी का सवाल, मतलब बहुत ज़्यादा ही थियरी से पूछ लिया। ठीक है, तो अगला आता है एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन गिव कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो यार बिल्कुल, जब एसिड एनहाइड्राइड अमीन से रिएक्ट करता है तो अमाइड बनाता है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला आता है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो इसमें आपको क्या निकालना था, इसमें आपको ई नॉट ऑफ रिडक्शन दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। ई नॉट ऑफ रिडक्शन 0.334 है, और ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, सी डी। ई नॉट ऑफ सी डी क्या है, 0.-0.403। इन दोनों को अगर आप लिखते ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो आपका आंसर आ जाता। जिसमें आपको फिर क्या एच प्लस आपको यहाँ पर निकालना, क्या यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना, ई नॉट ऑफ सेल आ जाता आपका, जिसमें होता आपका ऑप्शन बी 0.737। ठीक है, ईजी सवाल था, कैलकुलेशन करना था बस। ठीक है, अगला आता है द वैल्यू ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव इन मोल पर लीटर ऑफ 0.001। यहाँ पर स्टूडेंट ने 0.01 ले लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो यहाँ पर 0.001 है, दो बार जीरो है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 10^-3 है। मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के इज इक्वल टू, तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता दूँ, इसका आंसर जो है डी राइट है। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो आपको पता है आपको के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है, तो आप वहाँ से आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। जब अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे तो एच थ्री ओ पॉजिटिव क्या होता है, सी अल्फा। तो बस सी कितना है, 10^-3 अल्फा जो आप निकालोगे, तो इसका आंसर जो है आपका डी राइट है, 1.3 × 10^-4 रहेगा। तो बस ये थे आपके एमसीक्यूज, कितने एमसीक्यूज राइट हुए जरूर बताना। 10 के 10 राइट हुए तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, एक दो रॉन्ग हुए तो भी कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि थोड़ा हार्ड थे, पर अगले पेपर की तैयारी जोर से करो। बाकी का आंसर भी देता रहूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।